गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी व्याकरण पार्ट 2 पढ़ेंगे व्याकरण। इससे पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ा था भाषा और लिपि, आज पढ़ेंगे हम व्याकरण, व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण से भाषा को शुद्ध शुद्धता प्राप्त होती है। व्याकरण से भाषा को क्या होती है? शुद्धता प्राप्त होती है। इसी के माध्यम से भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। इसी के माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना, उसमें शुद्धता लाना सीखते हैं। व्याकरण वही शास्त्र है। व्याकरण के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार की यहाँ पे बात करेंगे। वर्ण वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम अक्षर भी कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, र प्लस आ प्लस म प्लस अ, ये वर्ण है। इन अक्षरों को, इन वर्णों को हम वर्ण कहते हैं। और एक साथ क्या हो गया? राम। तो ये क्या हो गया? शब्द। राम क्या हो गया? शब्द। तो वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द, शब्द विचार। वर्णों से मिलकर बनता है शब्द विचार। और उदाहरण देखो, रा म मा ये ण, रामायण। तो ये क्या हो गया? रामायण। ये एक क्या हो गया? शब्द। इसको कहते हैं हम शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ मिलाते हैं, उससे वाक्य बनता है, जिसे हम कहते हैं वाक्य विचार। जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम एक शब्द है, स्कूल एक शब्द है, जाता एक शब्द है एक शब्द है। इनको हम जब एक साथ मिलाते हैं तब एक वाक्य बनता है, जिसे हम कहते हैं वाक्य विचार। जैसे राम स्कूल जाता है। जब हम शब्दों को अलग अलग करते हैं, अलग अलग एक एक शब्द होते हैं, तो उसे हम शब्द विचार कहते हैं, जैसे रामायण। और जब हम शब्दों को भी अलग अलग करते हैं और उसको छोटे छोटे भागों में करते हैं, तो वर्ण बनता है। ठीक है,